दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल के लिए पॉली पर हेटर्स या फैंस। राम सेतु 25 अक्टूबर को दिवाली के खास मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। एक तरफ फैंस जहां राम सेतु के सुपरहिट होने की खुशी मना रहे थे, तो अब वहीं हेटर्स ने फ्लॉप होने की खुशी मनानी शुरू कर दी है। जहां दोस्तों राम सेतु को आज सिनेमाघरों में चौथा दिन चल रहा है और चौथे दिन के कलेक्शन में बहुत ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है, तो बात करने वाले हैं इस वीडियो में राम सेतु फिल्म के पूरे चार दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप अक्षय कुमार को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें राम सेतु की, तो अभिषेक शर्मा के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी और फिल्म के रिलीज से ही पहले फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज और बहुत ज्यादा बस बना हुआ था। बात करें फिल्म के कलेक्शन की, तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपए का है और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट और सुपर हिट होने के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपए कमाने थे। लेकिन फिलहाल फिल्म का जो हाल है वो बहुत ही उदासी वाला है। जहां दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में 15 करोड़ 30 लाख रुपए का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, जो कि फिल्म की शानदार शुरुआत थी। और फिल्म का पहले दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा था 23 करोड़ रुपए का। उसके बाद फिल्म ने दूसरे दिन इंडिया में 11 करोड़ 40 लाख रुपए का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, तो वहीं तीसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में और गिरावट देखने को मिली और फिल्म ने कमाए 8 करोड़ रुपए। और पहले तीन दिनों का फिल्म का जो कलेक्शन था इंडिया में वो 34 करोड़ 70 लाख रुपए था और वही फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 48 करोड़ रुपए। अब बात करो दोस्तों चौथे दिन यानी कि आज की, तो आज के कलेक्शन में और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। जहां दोस्तों आज की जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है वो बता रही है कि फिल्म आज 5 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने वाली है और फिल्म का इंडिया में चार दिनों का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 39 करोड़ 70 लाख रुपए हो रहा है और वहीं फिल्म वर्ल्ड वाइड में 56 करोड़ रुपए कमा रही है। और अभी फिल्म को चौथा दिन है और फिल्म ने 50 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं किया। हालांकि सैटरडे और संडे से क्या होगा भाई, सैटरडे और संडे में अगर फिल्म थोड़ी बहुत कमाई कर लेती है तो इन दोनों दिनों पे डिपेंड नहीं करता है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो जाएगी, क्योंकि फिल्म को हिट और सुपरहिट होने के लिए भी बहुत सारा पैसा कमाना है। लेकिन जिस हिसाब से, जिस रफ्तार से फिल्म राम सेतु चल रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट और सुपरहिट होगी। भाई कहां गए अक्षय कुमार के फैंस, क्या कर रहे हो, फिल्म देखने जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, राम सेतु को हिट कराना है या फ्लॉप कराना है? यार अक्षय कुमार की बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हो चुकी है लेकिन अक्षय कुमार ने यह तो शानदार फिल्म बनाई। बताओ फिल्म में क्या कमी है, एफएक्स, विजुअल्स और इसके अलावा अक्षय कुमार की शानदार एक्टिंग और एडवेंचर से भरपूर, मतलब इतने सारे ऐसे सीन्स जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, मजा आता है फिल्म को शुरू से लेकर आखिर तक, एक सेकंड के लिए भी आप मतलब बोर नहीं होते हो फिल्म में, तो और क्या चाहिए यार, सुपर हिट होनी चाहिए थी फिल्म, क्या कर रहे हो।